कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरात प्रवास के दूसरे दिन अपनी चुनावी सभा के पहले तीन परिवारों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने सबसे पहले अहमदाबाद में वरिष्ठ कांग्रेस के नेता इशाद बेग मिर्जा के निधन पर उनके परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद राहुल गांधी कांग्रेस से राज्यसभा सांसद मधुसूदन मिस्त्री के घर पहुंचे और मुलाकात की। मधुसूदन मिस्त्री के बेटे का निधन हार्ट अटैक की वजह से होने के बाद राहुल ने आज मधुसूदन से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। अहमदाबाद में तीन परिवारों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी शनिवार को अरवल्ली के बायडना तेनपुर पहुंचे और किसान सम्मेलन को संबोधित किया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और राफेल डील के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। राहुल गांधी ने यहां जय शाह की कंपनी में हुए घोटाले को लेकर मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। यहां राहुल गांधी का पाटीदारों ने जमकर स्वागत किया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जब अहमदाबाद के निकोल में ज्ञान अधिकार सभा में शुक्रवार को अध्यापकों से मिल रहे थे, तभी वहां मौजूद एड हॉक प्रोफेसर रंजना अवस्थी राहुल की तरफ बढ़ी और गले से लिपटकर रोने लगी। राहुल गांधी भी उन्हें संभालते हुए नजर आए और उनकी परेशानी भी सुनी। यह नजारा देखकर वहां मौजूद बाकी के लोग भी भावुक हो गए। अहमदाबाद के एमबी पटेल राष्ट्र सभा कॉलेज की प्रोफेसर रंजना उचित शैक्षिक योग्यता और पीएचडी होल्डर होते हुए भी सम्मान और अधिकार न मिलने के कारण पिछले 22 सालों से संघर्ष कर रही हैं और अपनी व्यथा सुनाते हुए वो भावुक हो गई और राहुल गांधी के गले से लिपट कर रोने लगी। गुजरात में दूसरे दौर के चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन कांग्रेस के तीन नेताओं ने वडोदरा के सावली विधानसभा सीट के लिए अपना अपना पर्चा दाखिल किया है। वडोदरा में 14 दिसंबर को मतदान होना है। शुक्रवार को पर्चा भरने वाले इन तीनों नेताओं के नाम विधायक खुमान सिंह चौहान, सागर ब्रह्मभट्ट और विजय गोहिल हैं। इन्होंने एक साथ मिलकर जुलूस निकाला और कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर बतौर कांग्रेस उम्मीदवार अपना नामांकन भरा। पर्चा दाखिल करने के बाद उन्होंने कांग्रेस आलाकमान से कहा कि वो तीनों में से जिसे चाहे टिकट दें, वो उसका विरोध नहीं करेंगे। किसी एक को टिकट मिलने के बाद बाकी दो अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेंगे और औपचारिक प्रत्याशी का चुनाव में समर्थन करेंगे। पंचमहल में भाजपा सांसद प्रभात सिंह चौहान ने अपनी पुत्र वधु सुमन चौहान को कलोल से टिकट दिलाया है, लेकिन उनकी पत्नी और सुमन की सास रंगेश्वरी इससे नाराज हो गईं। उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट लिखकर चेतावनी दी है। उन्होंने लिखा कि अब देखती हूँ बहु प्रचार करने कैसे जाती है, मैं उसे घर से बाहर पैर भी नहीं रखने दूंगी। दरअसल सांसद महोदय ने भाजपा से अपनी पत्नी के लिए टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने उनकी बहू को टिकट दिया है। उसके बाद से ही सास बहू और सांसद के बीच घमासान जारी है। पाटन जिले में चोरों के हौसले बुलंदी पर हैं। चाड़ासमा हाईवे के नजदीक सोमनाथ डुप्लेक्स के दो मकानों में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोरों ने मकान का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने दोनों मकानों में से सोना चांदी के गहने और नकदी समेत 5 लाख से ज्यादा के माल पर हाथ साफ किया है। चोरों ने रात के वक्त इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। वापी जिले में करंट लगने से एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। पूरी घटना छीरी की है, जहां ईद मिलाद के जलूस के बैनर लगाते हुए अचानक 4 युवक करंट की चपेट में आ गए। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है।